अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हम वहाँ बल्लागुड़े हुए थे भैया खाना लाने के वास्ते। आशा मेरी नान है, उनके ऊपर 5-6-7 जने अटैक करे। वो क्या नाम अटैक करे? नहीं मालूम, अननोन पर्सन है, नुआ नहीं पहचानता हूँ मैं तो। मेरे बड़े भाई के ऊपर अटैक करे नुआ, आशा मेरी नाम है उनका। हाँ आशमाबाद में रहते नुआ, उन्होंने रहते हमारे बड़े भाई आशमाबाद में रहते नुआ। कहाँ रहते? बल्लागुड़े को रहते वहाँ। वहाँ से बलट रहे तो रुक जा बोल के रुका है उनको, रुका है तो हम रुके की गली में लेके जाके लटवट से चाकू से भी मारे, मेरे हाथ पे मार भी लगे हुआ चाकू का, देख सकते हैं आप। ओ 6-7 जने थे भैया, अनुआ मिनिमम 6-7 जने थे, अनुआ नॉन मुस्लिम थे समझो। नाम क्या है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम देखो आशम अली है भैया। नाम पुरानी दुश्मनी है? नहीं नहीं है भैया, पुरानी दुश्मनी नहीं, वो तो उनका पुराना क्या है वो तो नहीं है कुछ भी। अब तो कोने की क्या नहीं की नहीं पहचानते। वहाँ खाना लाने के वास्ते गए थे, घर से निकल के खाना खाने के लाने के वास्ते गए, तो जब तक हम जरा वहाँ से पानी का बॉटल ले रहे थे पांडा भाई के पास भी, सीटीटीवी फुटेज है। सोबे इससे पहले कुछ भी केस है आपके भाई के ऊपर? एक केस है भैया, वो भी 2017 या 2016 का कुछ केस है, मर्डर केस है खाली। वो आपने क्या बोलते फलकुमा पीएस से जो हाँ, उसके बाद कुछ भी नहीं है उनके ऊपर, एक भी केस मर्डर केस में गए थे बस, उसके आगे कुछ भी नहीं है। उन अच्छा जी ले रहे थे काम से, घर से काम बोल के नाजायज के उनके ऊपर हमला कर दिया भैया। हमारा को इंसाफ होना सुने। हाँ साथ था मैं इनके साथ ही था। उनका 100% थे भैया, नॉन मुस्लिम है। नहीं पहचानता हूँ किसको भी, नहीं पहचान सूरत दिखा तो पहचानता हूँ भैया। झगड़ा हुआ क्या वजह रही थी ना? नहीं मालूम, वो झगड़े की वजह भी नाजायज उठा के उनको लेके चले गए हमारे बड़े भाई को। कुछ भी नहीं बोले, गलत बात नको करो, जाओ घरों को जाओ बोल के तहा ले, तो भी मेरे को बोलता बोल के गांजा कुछ पी लेके चेचा दूंगा। नहीं मालूम मेरे को तो बल्लागुड़ा चौरसा बिरजू का बारे देखो वहाँ पे। हाँ सिटी से भी फोटो है भैया। हम खाना लाने के वास्ते गए थे यहाँ जुमेरा होटल को जा रहे थे, वहाँ पीछे के हिस्से में से आशामाबाद से निकल के बल्लागुड़े के हिस्से में से जा रहे थे। सुने आप, हमारे को बुला के ले लेके गए नाजायज के ले लेके गए, तो हम क्या बोलना उनको बोला आप। हमारे को इंसाफ चाहिए, कुछ भी होना मेरे बड़े भाई का सर वर बोला। कैसी कंडीशन आपके भाई? इन्हों जरा उनको कुछ भी बात करने नहीं आ रहा भैया, कुछ भी बोल रहे नहीं उन्हों, पूरे भाई हमारे आए मगर इनको कुछ भी बोलने नहीं आ रहा। इंसाफ चाहिए भैया, और कुछ भी नहीं सुने। हमला किस चीज से हुआ आपके भाई के ऊपर? वो एक रॉड थी, एक चाकू थी हाथ में, मेरे को भी पड़ी, मैं बचाने गया तो। सुने आप, तीन जनों के ऊपर रॉड थी, एक जने के पास चाकू थी, तीन जने बचाए ऐसा कर रहे मार रहे नुआ जी। आओ कम्प्लेन नहीं दिया जरा, डायरेक्ट यहाँ उस्मानिया को लेके आए। पुलिस वाले आए हुए यहाँ पे, आपके भाई का स्टेटमेंट लिए? और नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया भैया। और जरा नो जरा बात करने के इसमें नहीं है भैया बस। अब जो आप लोग गए थे वहाँ पर जी, वहाँ पे पहले बहस तकरार हुई उसके बाद हमला हुआ या डायरेक्ट पकड़ के मारे? पहले बहस हुई, बहस के बाद मारे भैया। क्या बात पे बहस हुई? कौन है तू, ये है बोल के ऐसा आंग पे आए, तो मैं बोला हमारे बड़े भाई खींच के यार कैसा खींचता बोल के, मेरे को चाकू से मारने गए तो मैं हाथ ला लेके मेरे को पड़ गया। पड़ गया बाद उनको आशम भाई मारे बड़े भाई को खींच के लेके लेके चले गए, लेके जाके रॉड से मारते नीचे गिर गए। ऐसी गालियां दिए उन्हें, तो हमारे आशम में बोले गालियां नको दे, बात सीधी कर बोल के। भाई अटंगवा कुछ जॉब करते नो, ये आतापुर के आगे रिंग रोड के आगे काम करते कुछ। हम अच्छा 5 जने थे, वहाँ दो गाड़ियों में थे, उनका 6-7 जने थे भैया। नशे में थे क्या? नशे में उन्होंने, मेरे को समझ में नहीं आया कुछ भी, आगे वाले भी रुका रहे तो मार रहे, को भी मारे माँ को भी मारे। किसी पर डाउट है आप लोग? किसी के ऊपर डाउट नहीं है, जो है नॉन मुस्लिम है भैया, हिंदू थे नुआ बस। झगड़ा हुआ था किसी नॉन मुस्लिम से कभी? कभी भी झगड़ा तो नहीं हुआ भैया नॉन मुस्लिम से, बस एक मेरे बड़े भाई वो केस में गए थे, उसके बाद से कुछ नहीं है हमारे बड़े भाई का बस, और उसके आगे कुछ भी नहीं है भैया।